हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इस बार CUET 2023 का आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MA हिस्ट्री की कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी आप लोगों का PG का MA हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था और अब फाइनली आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको JNU और BHU के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो JNU और BHU में भी हम देखने वाले हैं कि इस बार आप सभी की कितनी कट ऑफ जाएगी और आप लोगों की कट ऑफ हमें कब देखने को मिलेगी, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप सभी को ये डाउट है कि इस बार 2023 में एम ए हिस्ट्री PG में JNU BHU और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो यहाँ पर मैं हर एक कैटेगरी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी साल आपके CUET में ऐड हुआ था, इससे पहले ही नहीं हुआ था। और इस बार जो आपका CUET का एग्ज़ाम हमें देखने को मिलता है MA हिस्ट्री का, आप सभी जानते हो कि इस बार थोड़ा हमें वो टफ देखने को मिला। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आपका ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इसमें ऐड हुई थी। क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस हमें इजी नहीं देखने को मिलते। जैसे अभी तक हमने बाकी के CUET के एग्ज़ाम देखे थे तो उसमें बहुत ही इजी और सिंपल था, बट इस बार आपको थोड़ा सा लेवल उसका टफ देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी CUET में ऐड हुई तो आपकी कट ऑफ में कितना चेंजेस या कितना यहाँ पर बदलाव आने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और बढ़ते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी इसको देख लिया होगा कि आप लोगों का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑलरेडी 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी पहली कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको जो देखने को मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 17 अगस्त को। क्लियर हो गया? तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो आपको इसकी पहली कट ऑफ 17 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही सेम आपका JNU का भी है। JNU ने भी 27 जुलाई से लेकर के आप 10 अगस्त तक जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देख रहे हैं, सेम आप लोग यहाँ पर इसका भी एडमिशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी भी आपकी पहली जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो भी 17 अगस्त को ही आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो 17 अगस्त को आपको सबसे पहली कट ऑफ देखने को मिलेगी। बट उससे पहले आपको ये है कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी ये आप सभी को जानना है, लेकिन एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपकी पहली कट ऑफ निकलेगी वो 17 अगस्त को निकलेगी और यहाँ पर 17 अगस्त में आप अपना ये आपका ये पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी ये कट ऑफ देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जिस भी डिपार्टमेंट कॉलेज या सेंटर में आपका एडमिशन हुआ वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम 17 अगस्त को 10 बजे तक का मॉर्निंग के टाइम से शुरू होगा और मंडे के शाम के 5 बजे तक आपको ये देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट फीस होगी वो आप लोग 22 अगस्त तक पे कर सकते हो। ठीक है, इवनिंग के 5 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। नेक्स्ट अगर हम देखें, पहली कट ऑफ तो आपने देखा कि ये आपको देखने को मिलने वाली है 17 अगस्त को। इसके बाद जो नेक्स्ट कट ऑफ आएगी वो आएगी आपकी 25 अगस्त को। ठीक है, तो 25 अगस्त को आपको सेकंड कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इसी तरीके की थर्ड कट ऑफ लिस्ट आपको 4 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो 4 सितंबर जब आप लोग जो तीसरी कट ऑफ आएगी, बाकी उसके सीट्स जैसे ही अगर बची होगी खाली होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी लास्ट कट ऑफ जितनी भी जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा 4 से 5 दिन के गैप में। लेकिन उन्होंने 3 कट ऑफ लिस्ट तो यहाँ पे निकलती है। लास्ट ही अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो टोटल इन्होंने 5 कट ऑफ निकाली थी। ठीक है, टोटल 5 कट ऑफ लिस्ट MA हिस्ट्री के लिए उन्होंने यहाँ पर निकाली थी, जो आपको पता भी है। तो यहाँ पर लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कट ऑफ की जो पेमेंट फीस है वो आप लोग
9 सितंबर तक फिल कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे और भी राउंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अगर सीट खाली होगी उसके अकॉर्डिंगली और कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये तो आपकी एक बात हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, कब स्टार्ट होगा, ये पूरा इसके वेबिनार और पूरे लिंक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब सेम एज मैं यहाँ पर अगर बताऊँ तो जितने भी स्टूडेंट JNU में, आप लोगों भी यहाँ पर जो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 27 जुलाई से लेकर के आपके 10 अगस्त तक है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। वो भी रात के 12 बजे से पहले आपको यहाँ पर इसका टाइमिंग दे रखा है। और इसकी भी जो पहली कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो 17 अगस्त को ही देखने को मिलने वाली है। और इसकी पेमेंट आप 25 अगस्त तक कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप यहाँ देखोगे। सेकंड मेरिट लिस्ट भी आपको 25 अगस्त को देखने को मिलेगी JNU की। तो ये सारी चीज़ें और ये सब कुछ इसकी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। अदरवाइज़ आपको जिसका भी देखना है तो आप DU, BHU, JNU जो इनकी वेबसाइट है आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसकी अपडेट आपको वहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो जिससे कि आपको सारी अपडेट मिलते रहे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बार आपके MA हिस्ट्री 2023 की कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं आपके DU, JNU और BHU तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई ज़रूर किया होगा। जिन्होंने JNU में अप्लाई किया होगा तो ऑब्वियस है कि उन्होंने भी BHU में भी अप्लाई ज़रूर किया होगा। फिर यहाँ पर माइंड में आता है सबको कि कौन सी कैटेगरी से कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है, उस सब के बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी हुई, आपकी OBC हुई, आपकी SC ST, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपके टोटल 400 का, ठीक है, जिसमें आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको देखने को मिलेगा। बट JNU मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको पता भी है, इसका सिर्फ जो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है यानी जो सेक्शन बी का पार्ट है सिर्फ उसी के बेस पे आपका एडमिशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो मार्क्स देखेंगे वो होगा आपका 300 से, ठीक है। तो ये तो MA हिस्ट्री की यहाँ पर हम अलग से कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, BHU का भी हम 400 से ही काउंट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि इस बार कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है। देखो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट ईयर मैंने पूरी कट ऑफ बताई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की और बाकी सब की भी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर इसकी 5 कट ऑफ निकली थी, ठीक है, जिसमें से सबसे हाईएस्ट गई थी आपकी 300। जो पहली कट ऑफ आई थी वो आई थी जो 300 की, और लास्ट जो गई थी वो गई थी आपकी 173। क्लियर हो गया? इतनी कट ऑफ लास्ट ईयर की गई थी MA हिस्ट्री की। मैंने अच्छी खासी वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया जर्नल कैटेगरी का है, ठीक है, बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना जो मेरे चैनल पर इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी ने इस बार का एग्ज़ाम देखा ही होगा और जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया भी था, इसका क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। डिटेल के साथ मैं ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ लेकर के आऊँगी कि इस बार 2023 में MA हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बार, देखो अभी तक आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी इसमें CUET में इस साल ही ऐड हुई है, इसी वजह से इस बार का जो एग्ज़ाम है वो टफ देखने को मिला। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में वह बुक्स एंड ऑथर्स वाले सेक्शंस भी देखने को मिले, राइट। अगर हम बात करते हैं इस बार जो कट ऑफ आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मैं पहले बात करती हूँ, देखो टफ आया था तो मैं यही कहूँगी कि जैसे कि 300 आपकी गई थी इस बार लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी। इस बार अगर हम देखें, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी के हो तो कम से कम आपके 225 से लेकर के 235 इतने प्लस आपके मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपके इतने स्कोर बन रहे हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपना काउंट कर लिया होगा, तो आप लोगों का इजीली से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। यहीं अगर मैं OBC की बात करूँ तो OBC को आपको 220 से लेकर के 230 प्लस अगर आपके मार्क्स हुए तो OBC कैटेगरी को आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा।
यही आपकी मैं एससी एसटी की बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 210 से 215 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो एससी कैटेगरी का एडमिशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और एसटी ओ के कैटेगरी के हैं तो 205 प्लस आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, इतने मार्क्स आपके होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो मैं आपको तब बता रही हूँ जब आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी। देखो फिफ्थ कट ऑफ तक लास्ट ईयर देख रहे हो 173 तक गई है, ठीक है, और 300 सबसे स्टार्टिंग पहली कट ऑफ में गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट में भी 150 प्लस, तो मतलब 150 भी मत आप लेकर चलो, 160 प्लस वो भी लास्ट तक जितनी भी कट ऑफ जाएगी। देखो तीन कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगी, बट उसके बाद जो है अगर सीट खाली हुई ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग कट ऑफ निकालेंगे, और फिर 160 प्लस अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो चांसेस है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। बट ये मैंने आपके बाकी सबके यहाँ पर बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जेएनयू की बात करूँ, जेएनयू में मैंने आपको बताया अभी सिर्फ 75 क्वेश्चंस आपके ऐड होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि आपका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं उसके बेस पर आपका एडमिशन होता है। यानी आपके 300 में से अगर मैं बात करूँ तो 227 यानी 227 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो इस बार जेएनयू में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 210 आपके बनने चाहिए, मतलब कि 75 में से टोटल मतलब 53 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हुए तो बहुत ही आराम से जेएनयू में आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं अगर मैं बीएचयू वाले स्टूडेंट की बात करूँ, अगर आपके 240 तक बन रहे हैं ठीक है, जनरल कैटेगरी के 240 तक बन रहे हैं तो बीएचयू में भी इजीली से आपका जो है यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इतने मार्क्स आप लोगों के होने ही चाहिए तभी आपका एडमिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और ईजिली से हो जाएगा। बाकी रही बात कि हाँ इस बार क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट थे, बट यस अगर जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तो उन्होंने ईजिली से कर लिया होगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं लास्ट टाइम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था उसमें आपके पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लेंदी थे, उसके बावजूद आपको इतनी हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है। इस बार जितने भी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा होगा और अब तक लास्ट ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, अगर आपने उस बेस पर अपनी प्रिपरेशन करी होगी तो अच्छी खासी कट ऑफ जाकर आपके स्कोर भी अच्छा खासा गया होगा, बल्कि इससे अच्छे खासे आपके हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि इस बार जो ये इतनी कट ऑफ तो जा सकती है, 300 आप मान लो कि 400, ये पहली कट ऑफ की मैंने बात नहीं करी है, ये मैंने जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये आपकी आखिरी कट ऑफ तक की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस बार केयरफुल रहना कि 200 प्लस वाले तो सेफ हो सकते हैं, आप लोगों के तो चांसेस हैं, बट जो 200 के नीचे स्कोर जिनके आए हैं उनके थोड़े आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी ये देखना होगा अगर सीट खाली हुई तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, आप लोगों को एडमिशन हो जाएगा जिस भी कॉलेज में आप लोग चाहते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो मेरे यही चांसेस हैं, जैसे कि मैंने अपने आपको लास्ट ईयर की भी कट ऑफ दिखाई, लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस पेपर हम लोगों ने देखे थे, इस साल के भी मैंने देखे बहुत, उसकी वीडियो मैं डिटेल में लेकर के आऊँगी। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, डिटेल में हम वो पूरे हिस्ट्री के 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ऑन टाइम मेरे चैनल पर ही आपको देखने को मिलने वाला है। मैंने ऑलरेडी 2022 का भी डिटेल में कराया हुआ है, अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी कट ऑफ तो बनेगी ही बनेगी, तो 400 में से 300 में से ये दोनों में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप इन तीनों यूनिवर्सिटी में आप एम ए हिस्ट्री के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है तो ऑलरेडी सबके रिजल्ट आ चुके हैं, आपने अपने मार्क्स ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, तो देख लो जिस इसके अकॉर्डिंग अगर इसके जितने भी मैम ने मार्क्स यहाँ बताए हैं अगर आप लोगों के मार्क्स इतने बनते हैं तो आप सेफ़ हैं, पूरे चांसेस है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। बट उसके जो अगर नीचे हुए, ये तो देखो 160 तो तब जाएगा अगर सीट आपकी खाली हुई। लास्ट ईयर में यहाँ पे देखो फिफ्थ कट ऑफ निकली थी क्योंकि कुछ सीटें खाली थी, तो लास्ट जो जर्नल की निकली थी वो 173 तक गई थी। तो अगर आप लोग सेफ रहे ठीक है, एसटी कैटेगरी की तो आपकी 100 तक गई थी लास्ट लास्ट ठीक है, मतलब जो फिफ्थ कट ऑफ निकल के आई थी वो 99 लास्ट थी,
तो इतना आपकी कट ऑफ जाती है। बाकी इसकी लास्ट ईयर की कंप्लीट वीडियो देखनी है कितनी कट ऑफ गई थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करो, आपको सारी कट ऑफ देखने को मिलेगी हर एक कैटेगरी के। तो पूरी जनरल ओबीसी एससी एसटी की मैंने बता दिया कि अगर आप डीयू जेएनयू और बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बार आप कितना स्कोर अगर आपका हुआ तो आप लोग सेफ हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो आपके लिए आपके हेल्पफुल रही होगी, और इसके बाद भी आपको कोई डाउट या क्वेरी तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, आपके उस डाउट को मैं ज़रूर सॉल्व करूंगी। बाकी वेट करेंगे हम लोग, जैसे कि आपकी 17 अगस्त को हमें पहली कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो टाइम पे अपडेट पाने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो ताकि जब भी वो कट ऑफ आए तो मैं आपको बता सकूँ कि कितनी कट ऑफ गई। और यही कहूँगी, और जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की 2024 के लिए सीयूईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग अब देख लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी में ऐड हो चुका है, तो अब आपके एग्ज़ाम जो है वो ईजी ना होके और टफ होगा, तो आपको उस लेवल की तैयारियाँ करनी शुरू कर देनी चाहिए और अभी से कर देनी चाहिए। आप लोग ये मत सोचो कि अभी 1 साल है, बहुत टाइम है, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में 2-3 महीना आप उसको लगाओगे, फिर आप लोग को कि अगर बेसिक अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, वरना आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, देन तब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपली समझ पाएंगे और उस तरीके से आपके एग्ज़ाम में। बाकी मैं क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी लेकर के आने वाली हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इस बार सीयूईटी में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इजी क्वेश्चंस भी थे, थोड़े टफ भी थे, जो थोड़े से आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, लाइक जैसे यूजीसी नेट लेवल तक आता है उस तरीके के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको कितने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये कम्प्लीटली कट ऑफ मैंने बता दी है, तो इन सब के में अगर आपके मार्क्स हुए तो आप लोग सेफ हैं, बाकी सीट यहाँ पे खाली हुई तो फिर वेट कर सकते हैं। अगर आपके 200 से नीचे मार्क्स बन रहे हैं तो वो वाले स्टूडेंट तो वेट ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर जो बात आती है कि सीट खाली होगी तो बाकी फिर इतने वाले ही स्टूडेंट सेफ हैं। बाकी जिनका इसमें नंबर नहीं आया तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, वरना बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेट करते हैं कि क्या फिर हम इग्नू में अप्लाई करते, तो आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इग्नू से भी एम ए हिस्ट्री आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल अपना, या तो आप लोग नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो, और अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते लगता है हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा तो आप इग्नू में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन यहाँ पे चल ही रहा है, एडमिशन चल ही रहा है, तो आप लोग उसको भी फिल कर सकते हो, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सीयूईटी के बैचेस स्टार्ट करने वाली हूँ मैं सेप्टेम्बर से, जो नया बैच होगा आपके 2024 के लिए, स्टूडेंट ने ऑलरेडी इनरोलमेंट स्टार्ट कर दिया है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो 888-219-6980 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू बाकी के बैचेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, बाकी की पीडीएफ आपको वहीं अपलोड मिलेगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी हिस्ट्री एडू पॉइंट है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।